बेटा, दुनिया में सब कुछ हमारी मर्जी से नहीं होता। अगर कुछ बुरा लगे तो बर्दाश्त कर लो। सब कहने की बात है। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है, और जानती हैं क्यों? इसलिए कि हम उन्हें अख्तियार देते हैं, हम उनकी मर्जी चलने देते हैं, हम उन्हें इस काबिल बनाते हैं, वरना उस काबिल होते नहीं है। देखो, शान से बहुत अच्छी लड़की है। अब अगर कोई तुमसे कुछ कहे ना तो तुम उसे बताना। मम्मी बस कर दें इस मौजू पे बात करना, मैं थक गया हूँ, आप कुछ नहीं जानते। बेटा क्यों गुस्सा कर रहे हो भाई? मुझे तो उस लड़की ने बहुत मुतासिर किया है। अब जरा सोचो, जो लड़की अपने मुलाजिम के घर उसकी नाराजगी दूर करने जाए, इतनी रहमदिल, तो क्या उसका बाप रहमदिल नहीं होगा? आपको लगता है इस दुनिया में कोई इतना रहमदिल होता है? नहीं अम्मी, सबको अपने मफाद अजीज होते हैं बस। अच्छा, ये तो मानते हो ना कि सबको अपना मफाद अजीज होता है, तो तुम भी अपने मफाद का ख्याल रखा करो। अब देखो, कल ऑफिस जाके किसी से तर्क कलामी ना करना, बल्कि ये जाहिर करना जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे कुछ हुआ ही नहीं? आप जानती नहीं है मैं कितनी चालाक लड़की है, और जिन बातों पे आप मुझे आज नसीहतें कर रही हैं ना, कल इन्हीं बातों पे आप मुझे डांट रही होंगी, आप देखिएगा। नहीं डांटूंगी। मैंने तो सोचा था कि आज तुम्हें साथ लेके भाभी के पास जाऊंगी, सजीला का हाथ मांगने, लेकिन तुमने तो मेरे दिमाग को घुमा के रख दिया। मुझे हर चीज परफेक्ट और इन टाइम चाहिए होती है। कल सारी फाइल्स जो है मुझे मेल करो। हाँ ओके ओके। हाँ ना, कह दिया ना तुम्हें, कल ईमेल करो मुझे सारा कुछ फौरन। व्हाट? बिजनेस मैटर डिस्कस कर रहा था। ऑब्वियसली कोई और मैटर डिस्कस कर रहे होते तो इतनी वजाहत नहीं दे रहे होते। कोई दूसरे मैटर्स नहीं है मेरे, समझी? यूं कहो कि अब नहीं है। जितना सबर मुझ में है ना, सब में नहीं होता। सबर और तुम में? What a joke! अगर सबर नहीं होता ना तो इतने साल तुम्हारे साथ नहीं गुजारती। कभी मेरे सबर का भी अंदाजा कर लिया करो। सेल्फ पिटी में मत डूबो, घर पे ध्यान दो, एक बेटी भी है तुम्हारी शायद। ओह रियली? तुम्हें पता चल गया उसका? इस वक्त मूड ऑफ ना करो, बहुत खुश हूं मैं। खुश? ऐसे अजीब बात है, खुश होकर भी शक्ल से खुश नहीं लगती हो तुम। शांजे को कोई पसंद आ गया है। अच्छा कौन, किसे पसंद करने लगी है वो? मुझे नहीं बताया, जाओ पूछो, बाप हो उसके, कुछ फर्ज तुम्हारे भी हैं। I must. सुनो, ये तुम कोई अंदाजा तो नहीं लगा रहे? इतनी इंपॉर्टेंट बात की बेसिस में अंदाजे पे करूंगी? तुमने काम करना था ना, तुमने वो उसकी जो दोस्त है रमला, उससे पूछ लेती, वो तो जानती होगी ना सब कुछ। जानती है, उसी ने बताया। तो तुमने फिर शांजे से पूछा? इतने अजीब इंसान क्यों हो तुम, कुछ समझ ही नहीं आ रही। रमला ने मुझे बताया, मैंने शांजे से पूछा और शांजे ने इतराफ किया है। ओह थैंक गॉड। जाओ ना पूछो उससे। ख्याल है कि हमें इंतजार करना चाहिए, शांजे हमें खुद ही बता देगी। We should wait. Useless.
हेलो हेलो, कहाँ हो? आपकी सल्तनत में? कम ऑन, अब तक नाराज हूँ मुझसे। मैं कौन होता हूँ नाराज होने वाला? कल कोशिश की थी नाराज होने की तो आपने अम्मी से हुक्म सादिर करा दिया कि नाराज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। आंटी सो स्वीट और तुम भी। अब काम कर सकता हूँ मैं? या श्योर, बाय। जुगनू और नादिया को भी साथ ले आते, आज सब साथ में ही खाना खा लेते। आएंगे वो भी और खाना भी खाएंगे। मेरे शानी को इंशाल्लाह गाड़ी मिल जाए ना, फिर हम सब साथ आएंगे। क्या बातें कर रही हैं अम्मी, अब यहाँ मुमानी के घर आने के लिए हमें गाड़ी की जरूरत थोड़ी है, जैसे मर्जी आ जाए। वो असल में जुगनू के एग्जाम हो रहे हैं ना मुमानी, वरना नादिया भी साथ आ जाती। अरे ये सजीला को किन कामों में लगा दिया तुमने? आज मैंने उसे कुछ करने का नहीं कहा, वो अपनी मर्जी और खुशी से कर रही है। तो हमें भी मेहमान समझ रही है? मेहमान ही तो नहीं समझ रही। क्या है, करने देना काम जरा सा अम्मी, उसको गैस थोड़ी जाएगी। मैं आता हूँ। देखा शानी मेरा कितना खुश लग रहा है। जी देख रही हूँ, उसकी खुशी भी और आपकी खुशी भी। बस तो फिर मेरी सजीला को मेरे शानी के साथ रुखसत कर दो ना। कुलसुम अगले हफ्ते तक रमशा भी आ जाएगी, उसके आते इन दोनों की मंगनी कर देंगे। सजीला मान तो गई है ना, इस रिश्ते पे तैयार है। शानी से ज्यादा मोहब्बत करने वाला इंसान मेरी सजीला को मिल ही नहीं सकता। मैं सोच रही हूँ भाईजान भी होते तो कितने खुश होते आज। सही कह रही हैं, शानी उनको हमेशा से बहुत पसंद था। उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे दोनों बच्चों के नसीब जुड़ जाए। अरे खावर भी तो आने वाला है इंशाल्लाह, पाकिस्तान आ रहा है। हाँ मुझे सजीला ने बताया था। इतनी खुशी हो रही है मुझे कुलसुम के मैं बता नहीं सकती कि अल्लाह का शुक्र है ये मसला भी हल हुआ। शुक्र है अल्लाह का। क्या कर रही हो, जान लोगी क्या? देख के नहीं चल सकते थे? क्या देख के नहीं चल सकते थे? घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करता है? मेहमान होते तो यहाँ नहीं होते। कहाँ? मेरे कमरे में। ऐसे मेरा ख्याल है कि सफर तुम्हारे कमरे से ज्यादा नहीं। और क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे लगता है कि मेरी जगह कहीं और किसी के दिल में बहाल हो रही है। ठीक है, जहाँ बहाल हो रही है ना वहीं जाओ, मेरा वक्त नहीं जाया करो। तुम्हारी बात कर रहा हूँ यार। तो मैं भी ना खाओगे? कभी तो प्यार से बात कर लिया कर। मैं ऐसे ही और ऐसे ही रहूंगी, वक्त है सोच लो। वक्त ही तो नहीं है और सोचने का तो बिल्कुल भी नहीं है। बाय द वे एक खातून बाहर आई है आपका रिश्ता लेके, मेरी अम्मी। यार चेहरे पे जरा सी तो मुस्कुराहट का एक्सप्रेशन दे दो, थोड़ी सी तो खुशी दिखा दो। नहीं दिख रहे तो ये आदमी जिस दिन दिखा रही पता नहीं क्या होगा। बाहर आओ, जो हुक्म मेरे हाथ।
समिया, बात की तुमने शांजे से? खुद ही तो कहा था वेट करो, वो खुद बताएगी, अब ये क्यों पूछ रहे हो? अरे बाबा, मैं इतना अरसा बाहर रह के आया और तुमने अभी तक उससे बात नहीं की है। भाई अगर वो खुद से तुम्हें कुछ नहीं बता रही तो तुम ही उससे पूछ लेती। अच्छा बहरहाल छोड़ो, एक काम करो, मैं तो कहता हूँ लड़के को किसी दिन चाय पे बुला लेते हैं, कैसे? ठीक है, बात करती हूँ उससे। बस एक बात कहूँ तुम्हें, तुमने कभी बेटी के साथ ऐसा रिलेशन डेवलप ही नहीं किया कि वो खुद से तुम्हें अपने दिल की बात कहे। तुमने कितना अमेजिंग रिलेशनशिप बिल्ड किया है ना अपनी बेटी के साथ। क्या बात कर रही हो तुम? तुम माँ हो, तुम्हारा फर्ज है। और तुम बाप हो, तुम्हारा भी उतना ही फर्ज है। हाँ वाह वाह डार्लिंग, कैसी है मेरी बच्ची? अभी हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। इतनी फुर्सत मिल गई आप दोनों को। मॉम, कौन से फर्ज याद दिलाए जा रहे थे? वही फर्ज जो तुम्हारे डैड मुझे याद दिलाना चाह रहे थे। अच्छा ना, छोड़ो इन बातों को, मैं ना कुछ सोच रहा था। आओ बैठ के डिस्कस करते हैं। आओ अल्लाह खैर करे, क्या सोच रहे हो? भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि हम आउटिंग प्लान करें और ट्रिप रखते हैं कोई बाहर का। क्या कहती हो, फ्रांस या टर्की? हम तीनों जाएंगे। हाँ भाई, अपनी मॉम से पूछ लो अगर इसके पास टाइम है तो। हाँ मैं तो कर लूंगी, लेकिन तुम टाइम निकाल पाओगे अपनी बिजनेसेस से? Obviously, I have to. अभी मैं यूं करूंगा ना कि कुछ अरसे के लिए बिजनेस जो है वो फोन पे मैनेज कर लूंगा। सिंपल। It's okay, Dad. हम फोन पे आउटिंग कर लेते हैं, आप अपने बिजनेस को टाइम दें। देखा देखा मेरी बेटी मेरी मजबूरी को कैसे समझती है। शान से कहाँ जा रही हो बेटा? बाहर लॉन में। वो तुम्हारी मॉम बता रही थी कि तुम्हारी जिंदगी में कोई लड़का, मेरा मतलब है कि तुम हमें किसी लड़के से मिलवाना चाह रही हो। ऑफ कोर्स डैड, आप लोगों के पास वक्त हो तो कल शाम को बुला लो, वी'd लव टू मीट हिम। ओके ग्रेट, मैं उसे कल बुला लेती हूँ। तुम कल शाम को घर पे ही हो ना? जाहिर है, इतना अहम मेहमान आ रहा है तो उसे मिलना तो है ना। डैड, आप उसे जानते हैं। व्हाट? मैं उसे जानता हूँ? कौन है वो? जब तक आपकी उससे मुलाकात नहीं हो जाती, इस बात को सरप्राइज ही रहने दें। नहीं ना शान से, बताओ ना मुझे कौन है। प्लीज डैड। कम ऑन शानजा, बता के जाओ ना भाई। कौन है? आई डोंट नो। कमाल है, वो कहती है तुम जानते हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है भाई। अंदाजा तो तुम्हें इस बात का भी नहीं था कि तुम्हारी बेटी किसी को पसंद करती है। तो तुम्हें बड़ा अंदाजा था, तुम्हें भी तो रमला ने बताया ना। थक नहीं जाते थे ताने दे देकर? जी नहीं, बस कर दो। सारा क्या बात हो रही, तू किस तरफ ले जाती हो तुम? I'm looking forward to tomorrow. कभी तो फोन जल्दी पिक कर लिया करो। इतनी बेताब नहीं थी तुमसे बात करने के लिए। अब तो अच्छी नौकरी भी है मेरे पास, अब तो लिहाज किया करो मेरा। मैं क्यों तुम्हारा लिहाज करूं? जिसने नौकरी लगवाई है वो लिहाज करेगी ना तुम्हारा। शादी मेरी तुमसे होने वाली है, उससे नहीं। प्यार मैं तुमसे करता हूँ, इसलिए सारी उम्मीदें भी तुमसे ही वाबस्ता है मेरी। खुशगुमानी अच्छी चीज है। खुशगुमानी नहीं है, मुझे यकीन है कि कुछ दिनों में मेरी तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम देख। शुरू हो गई ना तुम्हारी लव स्टोरीज। हेलो, इट्स
चार्जर का है। हाय हाय, क्या हो रहा था? खास नहीं, क्यों? अच्छा, कल तुम घर आ सकते हो मेरे? वो किस लिए? मॉम एंड डैड ने इनवाइट किया है। क्यों, उन्होंने क्यों इनवाइट किया? मिलने के लिए। हाँ, लेकिन मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं वो? क्योंकि मैं चाहती हूँ। और आप क्या चाहती हैं? तुम है। शाहजे ने आखिर समझा क्या है मुझे? मैं उसके इशारों पे चलने वाला नौकर हूं क्या उसका? कभी कुछ कहती है, कभी कुछ, जैसे मेरी मालकन बन बैठी हो। मुझे उससे दो टोक बात करना होगी। अगर वो समझती है कि दौलत के बोझ तले मेरी खुददारी मेरी अना को दबा देगी वो, तो ये भूल है उसकी। मैंने गुर्बत से खुददारी सीखी है। किसी की इमारत से मुतासर नहीं होता मैं, ना ही मैं किसी के दाम में फंसूंगा। मैं आज ही शांजे से बात करता हूँ। मुझे नहीं करनी इसकी बख्शी नौकरी। उसकी करम नवाजी का मोहताज नहीं हूं मैं। शायन साहब इस पे साइन कर दीजिए। क्या बात है शायन साहब, आप इस खुशी के मौके पे परेशान लग रहे हैं। रियान साहब, मुझसे पहले जो भी सीट पे बैठा उसको हमेशा गाड़ी मिली है क्या? आपसे पहले कमाली साहब जो थे उनके पास तो थी। नहीं, अब कमाली साहब की बात तो ना करें ना, उन्हें अपनी सारी उम्र दी है साहब। आप ये समझें कि कार के लिए उम्र की नहीं किस्मत की जरूरत होती है, और आप खुशकिस्मत हैं कि आपको कार मिल रही है। थैंक यू। रियान साहब जी, मेरी बाइक का क्या होगा? बाइक आपको ऑफिस की तरफ से तो नहीं मिली? नहीं, ऑफिस की तरफ। ठीक है, आप जाइए। हाय, थैंक यू। मिल गई है मुझे गाड़ी की चाबी। कांग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी खुशी मेरे साथ शेयर की। आपको बताना फर्ज था मेरा। अरे नहीं नहीं, ये सब तो ऑफिस की तरफ से तुम्हारे जॉब पैकेज में इंक्लूड है। तो फ्लैट भी रेनोवेट हो रहा है, बहुत जल्दी तुम्हें मिल जाएगा। नहीं सर, जॉब के पैकेज में तो इंक्लूडेड नहीं है, ये मैं जानता हूँ। तुम लड़ाई के मोड में हो, तुम्हें पता ना शाम को घर आना है मेरे। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब तुम अपनी गाड़ी पर आओगे। मगर अगर मगर कुछ नहीं, शाम को मिलेंगे। बाय।
ये तुम्हारी ही तो दुआ थी सजीला जो कबूल हो गई है। तुम्हारे ही नसीब से मुझे सब कुछ मिल रहा है। तुम्हारे मुंह से निकली हर दुआ, हर ख्वाहिश कबूल हो रही है। जी कैसी हैं जनाब? मैं खैरियत से हूँ। तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब है? नेक मतलूब खैरियत तो इतनी इनायत की हो रही है मुझ पे कि मेरी खैरियत जानने के लिए कॉल की जा रही है। तंज करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ ऑफिस से कब निकलोगे? निकल रहा हूँ बस। क्यों खैरियत? अच्छा यहाँ से होते हुए जाना, तुम्हारे साथ बाइक पे मार्केट तक जाना है मैंने। बाइक पर? तो क्या पैदल जाऊंगी? नहीं, मैं सोच रहा था कि मेरे साथ बाइक पे जाती अच्छी लगोगी। तो नखरे दिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं लेके जाना तो साफ साफ मना कर दो। नखरे नहीं कर रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ तैयार रहना, मैं आता हूँ। ठीक है? ओके। मामी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। कैसी हैं? आ गए, चल। अरे दो मिनट सांस तो लेने दो लड़की उसको। क्यों अम्मी, पैदल चल के आए, बाइक पे आया है? बहुत बुरी बात है सजीला, ना सलाम ना दुआ ना बैठने को कहा, बस हुक्म जारी कर दिया। अम्मी अलादीन के चिराग का जिन नहीं है कि खिदमत के लिए हाजिर हो गए। अंदर से खुशी हो रहा होगा, वरा से तकरीर सुननी पड़ेगी इसकी। फिलहाल तो तुम सुना रही हो मुझे तकरीर। मामी मैं इसको जरा बाजार से फिरा के ले आऊं, वापस आके फिर सीधा घर चला जाऊं। बेटा रमशा ने कुछ चीजें बताई हैं, वो ही लेनी है इसे। उसको आने के बाद तो इतना टाइम मिलेगा नहीं कि बाजारों के चक्कर लगाए। कोई बात होगा भी तो सुकून कहां होगा मैडम को, बड़े घर की बहू बन गई है, नखरे भी बड़े बड़े होंगे उनके। अल्लाह नजरे बस से बचाए। मेरी नजर नहीं लगने वाली उसे। अब चले। बाइक कहाँ है? बाइक? बाइक तो नहीं है। क्या मतलब है बाइक नहीं है? अगर मुझे ऑटो से जाना होता तो मैं खुद ना चली जाती, तुम्हें क्यों बुलाती? छोड़ो मैं जा रही। अरे मैडम दो मिनट सब्र तो करें, बहुत ही बेसब्री हो। इधर आओ। क्या नहीं जा रहे हो? अरे आओ तो। शानी देखो कैसी है। तुम्हारी है? मेरी इतनी औकात कहाँ कैसी गाड़ी ले सके। एक्चुअली रास्ते में खड़ी थी, भगा के ले आया। मैंने सोचा सजीला मैडम के साथ बाजार जाना है तो गाड़ी तो ढंग की होनी चाहिए ना। मेरी है, बल्कि हमारी आज ही हैंड ओवर हुई है। चेक करो। मैं देखो? देखो देखो तुम्हारी तो है। कैसी है? बहुत खूबसूरत। बैठो आइसक्रीम खाने चलते हैं, पहले आइसक्रीम बाद में शॉपिंग। आओ।
बहुत खुश हूँ। तुमने तो मामी को गाड़ी दिखाने का मौका तक नहीं दिया मुझे। पापसी ही दिखा देना। तुम्हें पता है अभी किसी को पता तक नहीं है कि मैंने गाड़ी ली है। ठीक है ना, जिसकी गाड़ी है उसका पहले हक बनता है ना बैठने का गाड़ी। ठीक कह रही है। तुम्हें पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी चीजों को इस तरह ऑन करती हो। मुझे भी इसी तरह ऑन किया करो ना। पता था मुझे रोमांटिक स्पीच सुनाने का ना मौका नहीं जाने दोगे अपने हाथ से। बुरी लगती है मेरी रोमांटिक स्पीच? नहीं ना, एक इसमें कुछ नया नहीं है। हर फिल्म में हर ड्रामे में हीरो हीरोइन से यही बातें कर रहा होता है। लेकिन हर ड्रामे हर फिल्म में हीरोइन इतनी संगदिल नहीं होती जितनी तुम। मैं तो सेम तुम सोच लो। सोच लिया, जैसे भी हो कबूल। तो ये रमशा भी ना हर चीज मेरे जिम्मे डालती, कहती अगर मेहमानों के लिए वहां से कुछ गिफ्ट लेकर आएगी तो ओवरवेट हो जाएगा। तो मामी से ये क्यों कह रही थी कि वो इतनी नखरे वाली हो गई? तुम्हारी बात हुई है उससे? हाँ एक दफा हुई थी, नादिया से बात कर रही थी ना तो मेरी बात हुई थी। खुश है अपने घर में? खुश कैसे नहीं होगी, सैशों की जन्नत है वो। सारा दिन नौकर चाकर उसके इर्द गिर्द भाग रहे होते हैं, हैश ही हैश। तुम्हें कैसे समझाऊं कि ये घर जो होता है ना ये आसाइशों से नहीं मोहब्बत से बनता है। और वहां भी ना आसाइशों के साथ अच्छी लगती है मिस्टर। अल्लाह, इस लड़की से कोई नहीं जीत सकता भाई। जीत तो गए हो, अगर जीते ना होते तो यूं मेरे साथ बैठकर अपनी मोहब्बत को जता नहीं रहे हो। गाने लगते इसमें? अरे कौन सा गाने लगा होता? अरे ये नहीं पागल, तुम सामने देखना। अच्छा सॉरी सॉरी। जुगनू, आज ये शानी कहाँ रह गया? काफी देर हो गई। फोन आया था अभी उसका, आ रहा है थोड़ी देर में। अच्छा, क्या बात है, आप भी बड़ी खुश लग रही हैं। खैर तो है, किसका फोन था? सजीला का फोन था, मुबारकबाद दे रही थी। किस बात की मुबारकबाद? वैसे तो शानी ने सरप्राइज देना था लेकिन सजीला से रहा नहीं गया। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो, किस बात का सरप्राइज, कैसा सरप्राइज? अम्मी शानी गाड़ी पे आ रहा है, उसे गाड़ी मिल गई है। अरे यार ना, तेरा लाख लाख शुक्र है, पाक परवरदिगार मेरे बेटे को और तरक्कियां दे। मगर अम्मी देख ले आप, ये ज्यादती है हमारे साथ, हमारा भाई अभी से पराया हो गया। अरे हमें बताने से पहले सजीला भी को बता दिया, पहला तो हमारा था ना। अच्छा चुप हो जाओ, जो मुँह में आता है बोलते रहते हो। अच्छा मैं चाय रख के आती हूँ, तुम जल्दी से जाओ गरम गरम समोसे लेके आओ। हाँ और ऐसा करो जलेबियाँ भी ले आओ, मोहल्ले के बच्चों को बांट दो। ओफो अम्मी आप ही अपने स्टैंडर्ड अब ऊंचे कर लें, आप लोग ऊंचे। हमारे घर गाड़ी आ रही है और आगे देखेगा और भी बहुत कुछ आएगा। तुम जाते हो किसी और से मंगवाऊं मैं? अच्छा आप ही जा रहा हूँ। और सुनो शानी को मत बताना कि हमें खबर मिल गई, उसे अपनी खुशखबरी खुद ही सुनाने दो। अच्छा मैं जरा पैसे लेकर आती हूँ। मैं चाय रखूंगी जरा। शानी बेटा आ जाओ, चाय ठंडी हो रही है। आ रहा हूँ। मम्मी अच्छी बनाई है तुमने चाय। अरे छोड़े चाय को मम्मी, घूमने चलते हैं, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत मजा आएगा। अरे अभी अभी चाय बनाई है, सब कुछ ठंडा हो जाएगा, खा लो। सजीला के पेट में भी जरा सी बात नहीं रुकती, सारे सरप्राइज सदियां नाश करके रख दिया। कोई बात नहीं बेटा। मम्मी सीरियसली मैंने सोचा था ये गाड़ी मिलेगी तो सबसे पहले आपको बिठाऊंगा। अच्छा जिसको बिठाना था ना उसे बिठा लिया है तुमने, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी कह रही है, सीरियसली उसका फोन आ गया था वरना मैं आपको ही बिठाता सबसे पहले। अरे बेटा कोई बात नहीं, गाड़ी उसकी अपनी है, सारी उम्र उसी को बैठना है, पहले बैठे या बाद में।
हेलो शानी, कहाँ हो? अब तक पहुंचे क्यों नहीं? आप ही, मैं जुगनू बात कर रहा हूँ, एंड आई एम सॉरी मैंने कॉल उठा ली। इट्स ओके, शानी कहाँ है? वो तो पार्टी कर रहे हैं गाड़ी की खुशी में। गाड़ी पसंद आई तुम्हें? बहुत शानदार है, मगर मुझे तो वो बाइक पसंद थी ना। अच्छा, तो वो बाइक तुम रख लो। मैं? हाँ, तुम्हें पसंद आई ना? मगर वो तो भाई ऑफिस खड़ी कराए हैं। इट्स ओके, मैं कल भिजवा दूंगी तुम्हें। मेरी शानी से बात करवा दो। जी, मैं आपकी अभी बात कराता हूँ। एंड थैंक यू सो मच आपी, थैंक यू। मैं आपकी बात कराता हूँ। भाई भाई, शान से आपी का फोन है। हेलो। तुम घर से निकले क्यों नहीं? मॉम एंड डैड तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सॉरी, मेरे जहन से ही निकल गया बिल्कुल। कोई बात नहीं, अभी आ जाओ। जी, मैं आता हूँ। क्या हुआ भाई? शानजे अभी आपका पूछ रही थी, आप पहुंचे नहीं वहां पे? आइंदा तुम मेरा फोन मत उठाना, ठीक है? सॉरी, लेकिन आपने कभी मना ही नहीं किया। मना कर रहा हूं ना, अब समझ जाओ। अच्छा ये तो बताओ, शानजे का फोन था, क्या कह रही है? अम्मी वो कह रही थी उसके पेरेंट्स से मिलना है। अरे तो बेटा जल्दी जाओ ना, कोई काम होगा उन्हें। और शानी, वैसे भी तुम्हें मना नहीं करना चाहिए था, कितनी बुरी बात है वो तुम्हें खुद फोन करके याद करा रही है। बस निकल रहा हूं ना। बल्कि ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, इतने अच्छे लोग हैं, जरा शुक्रिया अदा कर दूंगी। नहीं नहीं, आप रहने दें, बस मैं निकलता हूँ, फिर वापस आके चलेंगे। भाई भी कमाल करते हैं, वो लोग वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और यहाँ पे ये समोसे खा रहे हैं। तुम अपनी राय ना जरा कमी दिया करो जुगनू। बेटा ठीक कह रहा है, शानजे ने किसी काम से बुलाया है तो उसे चाहिए कि पहले सजीला के यहाँ जाने के बजाय या घर आने के बजाय वहां चला जाए। मुझको लगता है तू, मेरा लगता है तू, थोड़ा सा हूं मैं, अब ज्यादा लगता है। कल तुम घर आ सकते हो मेरे? वो किस लिए? मॉम एंड डैड ने इनवाइट किया है। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं वो? क्योंकि मैं चाहती हूँ। और आप क्या चाहती हैं? तुम्हें।